राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्यटन क्षेत्र माउंट आबू जो गुजरात के पर्यटकों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ गुजरात के अधिकांश पर्यटक माउंट आबू आते हैं और यहाँ की इन हसीन वादियों का लुफ्त उठाते हैं, लेकिन अब इसके लिए उन्हें 22 जून तक की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि गुजरात में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते माउंट आबू की होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट संचालकों ने यह फैसला लिया है कि वह 22 जून तक माउंट आबू की होटल नहीं खोलेंगे। साथ ही रेस्टोरेंट्स की सेवाएं भी फिलहाल बंद रखी जाएंगी। इसको लेकर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में होटल्स, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के एक एक प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। उपखंड अधिकारी ने बताया कि सरकार ने जो SOP तय की है उसके बाद सभी अपना पर्यटन व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं होटल्स, रेस्टोरेंट व्यापारियों ने कहा कि हम सभी ने यह सामूहिक निर्णय लिया है, साथ ही पड़ोसी राज्य गुजरात में कोरोना को लेकर निकट भविष्य में क्या स्थिति बनती है उसकी विवेचना और पुनरावलोकन के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। माउंट आबू के गणमान्य नागरिक और जिनको कहते हैं कि जो माउंट आबू को इन एंड आउट जानते हैं, उन लोगों के साथ हमने मीटिंग करी थी। मीटिंग इसलिए करी थी कि 8 तारीख से गवर्नमेंट के एडवाइजरी तो ओपन होने की है, लेकिन माउंट आबू एसोसिएशन की तरफ से कुछ रिजर्वेशंस थे, उनको तैयारियों के लिए उनका स्टाफ वगैरह नहीं था, तो तैयारियाँ और वो किस लेवल की तैयारियाँ करें ताकि बाहर से कोई पर्यटक आए तो उसको सेफ्टी के साथ कम्फर्ट दिया जा सके, तो उसको लेके इनके साथ बैठ के मीटिंग करी है। तो इन्होंने कुछ बातें स्वेच्छा से डिसाइड करी हैं, उसमें से एक ये कि 22 तारीख सारा स्टाफ वगैरह का मैनेजमेंट देख के 21 को रिव्यू मीटिंग करके उसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड करके 22 को ये फाइनली इसको खोलने का इन्होंने डिसाइड किया है। व्यक्तिगत राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे होटल खोलने की छूट दी है, तब हमारे वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पर सारा डिस्कशन हुआ। अधिकांश सदस्यों की राय थी कि वर्तमान में एकदम होटल खोलना उचित नहीं रहेगा, ना संभव है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है, उसकी तैयारी भी हम लोग सब बहुत कुछ कर रहे हैं। आज एसडीएम साहब के समक्ष ये निर्णय हुआ कि हम 21 तारीख तक तैयारियां करते हैं, परिस्थितियों का आकलन करते हैं, क्या परिस्थिति रहती है, गुजरात भी आज पूरा खुला है, वहाँ क्या रहता है, क्या स्थिति रहती है, 21 तारीख को वापस रिव्यू मीटिंग करके आगे की।